हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा बसों के किराए में की गई 25% की बढ़ोतरी के खिलाफ चंबा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बोलते हुए माकपा के जिला सचिव नरेंद्र ने कहा कि सरकार द्वारा इस कोरोना काल में जो 25% तक बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है वो सरासर गलत है। कोरोना के संकट में जहां आज आम लोग बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे में बसों के किराए में बढ़ोतरी करना आम आदमी पर आर्थिक बोझ डालना है। अतः उनकी प्रदेश की सरकार से मांग है कि आम आदमी को पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर हाल ही में जो बस किराए के अंदर वृद्धि की गई है प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार का एक ही भयानक निर्णय सामने आया है जिसके अंदर 25% से अधिक किराए के अंदर वृद्धि की गई है। अभी जहां पूरे देश और दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी छाई हुई है, हमारे देश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो आर्थिकी से बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, ऐसे में सरकार का किराया बढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही मूर्खता भरी बात है। हम इस किराया वृद्धि का पूर्णतः विरोध करते हैं। अभी हाल ही में जब पिछले समय प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने जो मिनिमम किराया था उसको 5% किया था, अब उसको बढ़ाकर जो है 7% किया गया है, जो कि अपने आप में एक जनता के ऊपर आर्थिक बोझ है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो काफ़ी कम हैं पिछले वर्षों के मुकाबले, और सरकार ने एक बहाना बनाया है आज के समय में कि देश के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो किराया है इसके अंदर जो है हमें वृद्धि करने की जो है ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन असल में ये जो डिमांड है ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की डिमांड थी कि बसों के अंदर जो है किराया बढ़ाया जाए, हमें मुनाफा नहीं हो रहा है। तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटर के दबाव के अंदर आकर ये जो किराया बढ़ाने का निर्णय जो है लिया है। हालांकि किराया बढ़ाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार सुचारू रूप से कितना किराया बढ़ाया जाएगा कितना किराया नहीं बढ़ाया जाएगा वो जनता के हित में है या नहीं है ये निर्णय लेती है। लेकिन इस तरह के किसी भी बोर्ड का जो है गठन प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके द्वारा जो है नहीं किया गया है। कोरोना के संकट के अंदर अभी सरकार का जो कल्याणकारी राज्य की सरकारें हैं उसका काम ये है कि जनता जो आर्थिक रूप से जूझ रही है उन्हें किसी प्रकार की राहत दी जाए, लेकिन इस सरकार ने वो सारी हदें पार कर दी हैं, जनता को जो आर्थिक बोझ के तले जो है दबाने का जो है काम किया है। हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की ओर से इसका जो है पूर्णतः विरोध करते हैं। अभी इसका जो किराया वृद्धि हुई है ये पूर्णतः जो है जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उनके पक्ष में है, क्योंकि पूरा बस किराया जब कोई बस एक जगह से दूसरी जगह तक प्राइवेट बस जाती है वो पूरा किराया नहीं लेते हैं। जहाँ 120 रुपये किराया होगा वहाँ वो लोग जो है 110 रुपये किराया लेंगे या 100 रुपये किराया लेंगे, पूरा किराया नहीं लेंगे। इसलिए सवारियां जो है अधिकतर सवारियां जो है प्राइवेट बसों के अंदर जाना जो है प्रेफर करेंगी, जो सरकारी हमारी बसें हैं उसके अंदर जो सवारियां जो है नहीं चढ़ेंगी। इस वजह से जो हमारा सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो और अधिक घाटे में जाएगा। इसलिए जो बस किराया वृद्धि है इसको जो है प्रदेश की सरकार इसको इसके ऊपर जो है दोबारा से पुनर्विचार करे ताकि जनता के ऊपर जो आर्थिक बोझ है उसको कम किया जा सके। आज इसी के माध्यम से इस धरने के बाद हम लोग जो डीसी महोदय के माध्यम से जो प्रदेश की सरकार है मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द इस किराया जो बढ़ाया गया है उसके ऊपर पुनर्विचार करें, अन्यथा हम लोग आने वाले समय के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा जो प्रदेश की सरकार है उसको भुगतना पड़ेगा।